आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसने अमेरिका के बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स, डिटेक्टिव, यहाँ तक कि एफबीआई तक की भी रातों का नींद उड़ा दिया था। ये कहानी है एक ऐसे खून की जहाँ 60 से 70 लोग खुद को खूनी बताते हुए पाए गए। चलिए सुनते हैं ये कहानी। 1947 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक महिला को पार्क में झाड़ियों के पीछे एक दो भागों में काटा हुआ लड़की का लाश मिला। उसके बॉडी में एक बूंद भी खून नहीं था और तो और बॉडी को अच्छे से साफ किया गया था काटने के बाद। पुलिस को लाश देख के समझ आया उस लड़की को बुरी तरह से टॉर्चर करके रेप किया गया है और उसके बाद ही उसके बॉडी से खून निकाल दिया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला उस लड़की का नाम एलिजाबेथ शॉर्ट था, जो कैलिफोर्निया में हॉलीवुड में एक्टिंग करने के लिए आया था, पर पैसे ना होने की वजह से उसको बार में वेट्रेस का काम करना पड़ा। सुंदर होने के कारण वो बार बार अलग अलग बॉयफ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाती थी। ऐसे ही एक के बाद एक बॉयफ्रेंड होने की वजह से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन उनके बॉयफ्रेंड से ही शुरुआत की, पर उनमें से कोई भी खूनी नहीं था। इस तरफ मीडिया और न्यूज़पेपर वालों ने इस स्टोरी को इतना हाइप दे दिया कि पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगी। एलिजाबेथ हमेशा ब्लैक कलर की ड्रेस पहनती थी और अपना फेवरेट फ्लावर डालिया लगाती थी, तो न्यूज़पेपर में इस केस को ब्लैक डालिया मर्डर केस बोला गया। पुलिस के हार मानने के बाद एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, पर अचानक से बहुत से लोग आके बोलने लगे कि वो खूनी है। बाद में पता चला सिर्फ पब्लिसिटी के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। हर एक विक्टिम के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट होने के बाद भी किसी को खूनी का कुछ भी पता नहीं चला। इसी दौरान किसी ने एक लेटर पुलिस को भेजा जहां उसने सबूत दिया कि वो ही खूनी है, पर वह कौन था आज 75 साल के बाद भी ये एक मिस्ट्री है। तो आपको क्या लगता है, ये केस कभी सॉल्व हो पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।